Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. थाना लसाड़ीगेट एसओजी के सर्विलांस पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में अवैध असलहे व अधबने पुर्जे सहित 6 अभियुक्त गण गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें, थाना लसाड़ीगेट पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि अभियुक्त गण अब्दुल सलाम, जुल्फुकार, रिजवान, मोहम्मद यूसुफ, शौकीन, महबूब अली, ये 6 लड़के हैं जो बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में नाजायज पिस्टल, तमंचे बनाकर बेचते हैं, साथ ही विभिन्न घटनाओं में उपयोग कर रहे हैं। इसी सूचना पर लसाड़ीगेट एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम यूसुफ के मकान इस्लामाबाद थाना लसाड़ीगेट में तलाशी के लिए पहुंची। घर में अभियुक्त गण अवैध असलहे बनाते हुए मिले। इस दौरान तलाशी में 4 अदद पिस्टल, 32 बोर मय, 8 मैगजीन, 8 अदद देशी तमंचा, 312 बोर और खराद मशीन असलहे बनाने के साथ ही अन्य उपकरण सहित अवैध असलहा बनाने के औजार, ग्राइंडर मशीन व अवैध असलहे बरामद हुए। बता दें, बरामद उपकरण के साथ मौके से यूसुफ अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर लिया गया है। वे यूसुफ के बाकी 5 साथी छत के रास्ते भागने में सफल हो गए थे, लेकिन अब उन 5ों को भी हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल सभी 6 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। देखिए इस बारे में एसएसपी रोहित सिंह साजवान से मिली जानकारी। कब से ये लोग इस कार्य में लिप्त थे और क्या कितना लंबा सवारी का अपराध लोग? ये थाना लसाड़ी गेट के अंतर्गत एक फैक्ट्री, अस्थायी फैक्ट्री में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 8 अवैध 315 बोर के देसी तमंचे और 4 32 बोर पिस्टल बरामद हुई हैं और इनके पास से 8 मैगजीन भी बरामद हुई हैं जो वहाँ से इन्होंने बनाई थी। और इस पूरे प्रकरण में एक जो अवैध असले की फैक्ट्री है उसको बरामद किया गया। मौके पर जो मशीन्स आई हैं, जो भारी मशीन है, उसको वहीं पे सील किया गया, जबकि बाकी जो कच्चा सामान है, जो 20-25 तमंचे और बनाने के लिए पर्याप्त है, वो भी इनके पास से सीज किया गया। तो ये 6 लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें से जो मुख्य आरोपी है, जो शौकीन है, ये किठौर का रहने वाला है और ये सब लोग मिलकर लसाड़ी गेट के अंतर्गत जो मकान इनका है उसके नीचे जो मशीन लगाई गई है वहाँ पे ये अवैध रूप से शस्त्र बनाने का काम करते थे और इनको सप्लाई करते थे। तो इनके द्वारा बताया गया कि एक महीने में 10-12 अवैध असले बना लेते थे। साथ ही साथ जो अवैध शस्त्र हैं, जो तमंचे हैं, उनको 2-3 हज़ार रुपये में ही आगे बेचते थे। इसी तरह से जो पिस्टल हैं, जो 32 बोर की पिस्टल है, इनको ये 15-20 हज़ार रुपये में डिमांड के आधार पर, जो फ़ोन लोगों के आते थे और जो नेटवर्क इनका बना हुआ था उसके आधार पर इसको बेचते थे। इसमें इन्होंने लोगों को बताया कि मेरठ जनपद के जो देहात के एरिया हैं वहाँ पे इन्होंने सरदना, किठौर और अन्य देहात के क्षेत्र में तमंचे सप्लाई किए हैं। इसी तरह से आसपास के जनपद में भी सप्लाई किए हैं। तो उन लोगों के नाम हमारे पास कुछ आ गए हैं जिसके आधार पर हम उनको गिरफ्तार करके उनसे भी पूछताछ करेंगे कि किस उद्देश्य से उन्होंने ये तमंचे और ये लिए थे। और क्या इससे पहले भी जब ये जेल गए तो क्या ये इसी धंधे में लिप्त थे, घोर धंधे में लिप्त थे? इसमें से 2 अपराधी हैं जो पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और इसमें से एक अपराधी काफी लंबे समय से इसमें शमीम, इसमें जो मुख्य जो आरोपी है शौकीन, ये काफी लंबे समय से फरार भी चल रहा था। इसको पुलिस लगातार ढूंढ रही थी और इसके आधार पे जब इसको निशानदेही पे ये सब चीजें बरामद हुई। मेरा सवाल ये कि अवैध शस्त्र ये लोग बनाते थे, क्या इससे पहले भी जब पकड़े गए थे तो क्या उस वक्त भी अवैध शस्त्र बनाने में ही पकड़े गए थे? हाँ, अवैध शस्त्र बनाने में। इसमें जो मुख्य आरोपी, अभी इसमें जो फरार अपराधी है शमीर नाम का उर्फ मेढक,
ये फरार चल रहा है, इसके पास से अवैध शस्त्र बरामद किए गए थे। अच्छा, आप लोग और क्या अभी अभियान चलाएंगे? पिछले विगत दिनों में हमने दो अन्य मामले इसी तरह के पकड़े हैं, एक ब्रह्मपुरी थाने में और एक लिसाड़ी गेट थाने में एक और मामला पकड़ा था, और इसी तरह से जो हमारे एरिया जहाँ पे ऐसी गतिविधियां पूर्व में चलती आई हैं उस पर लगातार नजर रखी जा रही है और उसके आधार पर इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।